चलिए दोस्तों, आज हम लोग फ्यूज से बारे में पढ़ेंगे। तो फ्यूज होता क्या है? कि फ्यूज एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। कहने का मतलब, क्या चीज़ का मटेरियल? आपका लेड का मटेरियल हो सकता है, लेड मटेरियल हो सकता है, ठीक है, टीन हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, जिंक का भी आप रख सकते हैं, ठीक है, या सिल्वर का ये रख सकते हैं। ये सब मटेरियल का आप फ्यूज बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम बता दें कि अभी का दिनों में सिल्वर का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बेस्ट फ्यूज मटेरियल के रूप में माना जाता है। बेस्ट फ्यूज मटेरियल के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका जो कंडक्टिविटी होता है, वह हाई कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। लो कॉस्ट होती है और लो मल्टिंग पॉइंट होती है, साथ ही साथ ये ऑक्सीडेशन से फ्री होता है, इसलिए हम लोग सिल्वर का ही मटेरियल का यूज करते हैं। मतलब और सबसे मतलब सही सब भी का काम वही चीज़ है, लेकिन उस सबके कंपेरिजन में सिल्वर का ये बेनिफिशियल है, इसलिए हम लोग सिल्वर का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज से पता चल गया कि एक मटेरियल है, लेकिन मटेरियल क्या है, तो किस तरह का मटेरियल? ये एक स्मॉल पीस है, यानी कि स्मॉल मटेरियल है, स्मॉल पीस बोल सकते हैं आप, या मटेरियल मेटल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सर्किट में करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे सर्किट में, तो जिस करंट के अनुसार हमारा जो भी कंपोनेंट उसमें लगाया गया है, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ठीक है, या और बहुत सारे कंपोनेंट, तो उसका एक रेटिंग होती है, उसके अनुसार वो लगाया जाता है कि इतना करंट तक वो कैपेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सेस करंट फ्लो होने लगे, तो क्या करता है कि ये फ्यूज जो होता है वो मल्ट होने लगता है, ठीक है, तो मल्ट होने के कारण सर्किट ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक होने के कारण जो कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, यानी कंपोनेंट होते हैं, वो बच जाते हैं। इसलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि फ्यूज के बारे में हम लोग बोले तो क्या है, ए फ्यूज इज अ शॉर्ट, क्या है, शॉर्ट मेटल इंसर्टेड इन द सर्किट, मैं बताया कि सर्किट में इंसर्टेड होता है, विच मल्ट्स, जो कि मल्ट होता है, कब, जब, वेन एक्सेसिव करेंट फ्लोज थ्रू इट, यानी कि इससे फ्लो किया जाता है, तब क्या होता है, एंड दस इट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और सर्किट को ब्रेक कर देता है, और प्रोटेक्ट कर देता है किसका, जो भी कंपोनेंट हमारा लगाया गया, प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट या कंपोनेंट, जो भी बोलिए आप। तो फ्यूज का काम यही चीज होता है, और अभी के दिनों में फ्यूज का ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्यूज लगाने से हमारे ज़्यादा नुकसान नहीं होते, पहली बात कि इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि अगर आप एक बार लगा दिए तो मान लीजिए अगर करंट का रेटिंग सही चल रही है तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, लेकिन अगर करंट का रेटिंग ज़्यादा हो जाए तो वह तुरंत फ्यूज हो जाएगा, मतलब तुरंत ब्लो कर जाएगा, ये चीज़ है। और ये सस्ता होता है, यानी लेस कॉस्ट होता है, ये भी बताया, और ये भी मैं बताया कि मैक्सिमम टाइम तक ऑपरेशन कर सकता है, इसका ऑपरेशन मैक्सिमम टाइम ऑपरेशन होता है, और ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, बिना कोई नॉइज किए हुए, मतलब बिना साउंड किए हुए, ठीक है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, सर्किट ब्रेक विदाउट नॉइज, यानी विदाउट साउंड के द्वारा ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये आपका टाइम का इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक्स वही होता है जो कि हमारा
ओवर करंट प्रोटेक्शन में काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ कुछ कमियां भी है। कमियां ये है कि अगर मान लीजिए हाई करंट फ्लो हो गया ऑपरेशन के दौरान में, तो ये ब्लो कर जाएगा। ब्लो कर जाने के बाद इसमें हम लोग को न्यू फ्यूज लगाना पड़ेगा। अगर न्यू फ्यूज नहीं लगाइएगा तो क्या होगा कि अच्छा से जो भी हमारा सर्किट है वह ऑपरेट नहीं करेगा, और इसका जो रिस्प्लेसमेंट है वह ज़्यादा है। मतलब अगर ना अभी के दिनों में इसका रिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, क्योंकि करंट कभी कभी हाई हो जाते हैं अचानक, ठीक है। तो इसके कारण फ्यूज उड़ जाती है और इसका रिप्लेसमेंट हमको बार बार करना पड़ता है। और ये क्या करता है कि इसका जो परफॉर्मेंस होता है वह इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है। ये भी होता है क्योंकि ये एयर के साथ आयोनाइज होने लगता है। जब हाई करंट हम लोग फ्लो करते हैं, इसका टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वह एयर के साथ आयोनाइज होने लगता है। तो ये है हमारे फ्यूज के बारे में हम लोग अभी देखे। तो फ्यूज ये तो हम लोग देख लीजिए, फ्यूज होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखें कि टाइप्स ऑफ फ्यूज। जो फ्यूज के टाइप्स हैं, तो फ्यूज पांच प्रकार के होते हैं जनरली। कौन कौन से? आपका हम लोग किट किट फ्यूज बोलते हैं इसको, या इसको आप बोल सकते हैं सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज, इसी को हम लोग किट किट फ्यूज भी कहते हैं, ठीक है। सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल फ्यूज। दूसरा हो गया आपका एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज कहने का मतलब हाई रिप्यूटरिंग और करंट फ्यूज, दूसरा नाम हो गया। अब इसी में आपका दो हो जाता है, एक कार्टेज होता है, ठीक है, एक होता है, अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए तीसरा है आपका टोटली इनक्लोज कार्टेज फ्यूज, ठीक है, टोटली इनक्लोज्ड कार्टेज फ्यूज। और चौथा हो गया आपका ड्रॉप आउट फ्यूज। और जो लास्ट का फ्यूज है वो है आपका एक्सप्लोजन फ्यूज, ठीक है। ये आप तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग टाइप्स ऑफ फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है कि किटकैट फ्यूज, जिसको हम लोग सेमी इनक्लोज रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं। तो चलिए आज उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेमी इनक्लोज्ड रिवायरेबल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को किट किट फ्यूज भी बोलते हैं। तो चलिए ये चीज आप जान लीजिए कि ये फ्यूज जो यूज किया जाता है वह आपका जो हमारा वोल्टेज का रेटिंग लेते हैं, अगर वोल्टेज का रेटिंग आपका 400 वोल्ट, ठीक है, तक मैक्सिमम, और करंट का जो रेटिंग लेते हैं 300 एम्पियर तक मैक्सिमम है, तब हम लोग ये फ्यूज का यूज करते हैं। अगर इससे ज़्यादा का रेटिंग है तो ये फ्यूज यूज करिएगा तो ये तुरंत ही ग्लो करने लगेगा, मतलब ये तुरंत ही उड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका जो रेटिंग है, घर में इसका यूज किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस में, इंडस्ट्रियल में भी यूज किया जाता है, ठीक है, कमर्शियल में भी यूज किया जाता है, जैसा सिचुएशन हो उसके अनुसार। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो समझ गए कि ये जो फ्यूज है, फ्यूज तो फ्यूज ही होता है। अब इसको हम लोग बोले कि किटकैट फ्यूज फ्यूज क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे फ्यूज यूज होता है वो आपका दो पोर्सिलिन का मटेरियल से
के बीच में लगा हुआ रहता है, यानी कि यहाँ पे दो हम लोग मेन पार्ट्स होता है इसका, ठीक है, एक वो फ्यूज बेस, एक होता है फ्यूज कैरियर, दोनों आपका प्रोसलिन के मटेरियल से बना हुआ रहता है, इसलिए हम लोग इसको किटकैट फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि यह किस तरह से बना हुआ रहता है। तो कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो क्या होगा, ये आपका फ्यूज बेस है, क्या है, ये आपका फ्यूज बेस है, यहाँ पे आपका दो टर्मिनल लगा हुआ है, पहला ये दूसरा, ठीक है, जिसको हम लोग मेटालिक कॉन्टेक्ट करते हैं, इसका टर्मिनल को चलिए मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ये रहा आपका टर्मिनल बाहर हो गया, इसका भी हम लोग बाहर कर दिए, जो कि हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं जो भी फेज वायर होता है उसके साथ, जो सप्लाई का फेज वायर होता है उसके साथ हम लोग ये जो टर्मिनल है ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये आपका मेटालिक कॉन्टेक्ट होता है, ये जो है ये आपको देख रहे हैं ये मेटालिक कॉन्टेक्ट है, ठीक, ये आपका टर्मिनल्स है जो कि मैं बता दिया, ये तो भी टर्मिनल्स है, ये फ्यूज बेस है जो कि प्रोसलिन से बना हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा जो मेन पार्ट्स होता है वो होता है आपका फ्यूज कैरियर, ठीक है, फ्यूज कैरियर जो होता है वो आपका इस तरह का रहेगा, ये आपका फ्यूज कैरियर है जो भी प्रोसलिन से बना हुआ रहता है, ये यहाँ के आके फिक्स हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूज कैरियर, या बोल लीजिए फ्यूज कवर बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो मेन पार्ट्स होते हैं, तो अब हम लोग चलिए इसके ऑपरेशन के बारे में पढ़ें। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में कि ये जो फ्यूज कैरियर होता है वो फ्यूज बेस के साथ फिट होता है, ठीक है, फ्यूज कैरियर फ्यूज बेस के साथ फिट होता है और लोड सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान फ्यूज कैरियर को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटालिक है वह आपका ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमको रीवायरिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और फिर अगर हम लोग रीवायरिंग कर दें तो फ्यूज कैरियर है फिर से फिट करना पड़ेगा हमको फ्यूज बेस में, तब फिर लोड सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसी तरह से हमारा सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये आपका बोला जाए तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो कि फ्यूज को अच्छा से ऑपरेट करवाने के लिए, यानी कि ये ज़्यादातर वाइडली यूज होता है, कहाँ पर मैक्सिमम बोल सकते हैं 500 एम्पियर तक, मतलब वो का कैपेसिटी कर सकता है, लेकिन 300 एम्पियर इसका मैक्सिमम है, ठीक है, करंट का। इसका उपयोग हम लोग बता दिया हूँ कि डोमेस्टिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में इसका किया जाता है प्रोटेक्शन के पर्पस में। चलिए दोस्तों अब इसका लिखना कैसे है वो हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि इन किटकैट फ्यूज में हम लोग क्या है, दो मेन पार्ट्स हैं मैं बताया, जिसका नाम पहला फ्यूज बेस है और फ्यूज कैरियर है। फ्यूज बेस जनरली फिक्स्ड होता है अपने पोजीशन पे स्विच बोर्ड पे, मतलब दीवार पे अगर लगा हुआ है स्विच बोर्ड तो उस पर फिक्स है, ठीक है, और इसका जो टर्मिनल है वह सीरीज में कनेक्टेड है फेज वायर से, जो कि मैं बताया जो टर्मिनल है वह फ्यूज के वायर के साथ कनेक्टेड है और ये यहाँ पे आके फिट हो जाता है। ये मूवेबल है, ये जो आप देख रहे हैं फ्यूज कैरियर, ये मूव करता है, मतलब इसको हम लोग निकाल सकते हैं बाहर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी चेंज करना है इसमें हम लोग कर सकते हैं, इस पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स होती है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहा। अब इसका अगर हम लोग को ऑपरेशन लिखना है तो ऑपरेशन देखिए किस तरह से होता है। ऑपरेशन क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में मैं बताया कि आप देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, फ्यूज कैरियर फिट होता है इन द बेस में, मतलब फ्यूज बेस में मैंने बताया नॉर्मल कंडीशन में, और जब ये फ्यूज बेस में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, लोड सर्किट कम्प्लीट हो जाता है, ठीक है, जब लोड सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है अच्छा से और यह ऑपरेशन चालू हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, फ्यूज कैरियर को हम लोग निकाल देते हैं तो क्या होता है, फ्यूज ये जो निकाल देने के बाद
ये हो जाता है कि वो ग्लो कर जाता है, जिसके कारण हमको फिर से रिवायरिंग करनी पड़ती है। किसमें? फ्यूज कैरियर में। और अगर फिर से हम रिवायरिंग कर दें आफ्टर रिवायरिंग, तो फ्यूज कैरियर को फिर से हम लोग फिट कर दें फ्यूज बेस में, तब क्या होगा, फिर से लोड सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ये हम लोग का सिंपल फॉर्म है, ठीक है, फ्यूज का, जो कि ज़्यादातर यूज होता है 500 एम्पियर के लिए या 300 एम्पियर के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है डोमेस्टिक कमर्शियल इस सब में इसका यूज किया जाता है। अब इसका हमारा बेनिफिट भी है कि इसमें रिप्लेसमेंट में जो टाइम लगता है वो बहुत कम लगता है, क्योंकि इजिली रिमूवेबल है, ठीक है। और करेंट लिमिटिंग जो इफेक्ट है इसमें होती है, ठीक है, यानी कि एक लिमिट होना चाहिए करेंट का, अगर उससे ज़्यादा होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, या सस्ता होता है, ठीक है, और सब फ्यूज से। इस पर मेंटेनेंस का ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता, ये चीज़ फ़ायदे हैं यहाँ पे। लेकिन हाँ, इसका डिसएडवांटेज यह भी है कि इसमें अगर हम लोग थ्री फेस इंडक्शन मोटर का हम लोग चला दें तो इसमें जो फ्यूज है वो ब्लो कर जाएगा, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन ये आपका जल्दी हो जाएगा और लगातार ये पतला होने लगेगा कायर, जैसे कि जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन होने लगेगा और ये जो वायर है वो पतला होने लगेगा। अब ये वायर और इसमें से हीट निकलने लगेगा, मतलब हीट ग्लो होने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ हमारे होते हैं फ्यूज में। चलिए दोस्तों, थैंक यू।